हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। आज मैं आया हूँ एमजी के शोरूम और आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया की सबसे कॉम्पैक्ट ईवी व्हीकल। आप समझ गए होंगे किसकी बात मैं कर रहा हूँ। चलिए गाड़ी देखते हैं गाइस। एमजी कॉमेट आप देख रहे हो राइट में, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना कॉम्पैक्ट साइज़ है। चलिए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एम जी कॉमेट के अगर एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट में आप एम जी का लोगो देख सकते हो। यहीं पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, इसमें 17.3 किलो वाट की बैटरी लगती है और 3.3 किलो वाट का इसमें चार्जिंग केबल आता है। सिर्फ एसी ही चार्जिंग केबल आता है, कोई भी इसमें आप डीसी चार्जिंग नहीं कर सकते, जो कमर्शियल पॉइंट पर मोस्टली दी होती है। यहाँ पर आप इसका डीआरएल देख सकते हो, फ्रंट में काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप ब्लू स्ट्रिप देख सकते हो क्योंकि ये ईवी व्हीकल है। और ये क्रोम गार्निश आप देख रहे हो, इस ORVM से शुरू होती है और ऑल द वे नेक्स्ट ORVM तक जाती है। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये क्रोम वर्क। नीचे यहाँ पे आपको इसके हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फुल LED सेटअप है ये। यहाँ पे क्रोम वर्क काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे बॉडी कलर में आपको फ्रंट बम्पर और रेयर बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे नीचे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है ब्लैक में। नीचे आपको बम्पर आपको मैं बता ही चुका हूँ, बॉडी कलर मिल जाता है। इस तरफ देख लीजिए, सेम प्रोफाइल है, कोई डिफरेंस नहीं है। सीएट का इसमें टायर मिल जाता है आपको, 12 इंच का टायर प्रोफाइल है, 145/70 R12। ये आपको व्हील कैप ऊपर मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सिल्वर और ब्लैक का फिनिश और इसमें स्टील रिम्स आते हैं। ORVMs देख लीजिए, अच्छे साइज़ के हैं, फुल ब्लैक आउट किए हैं। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। इधर का आप इसमें क्रोम फिनिश में इसके डोर हैंडल्स देख सकते हैं, सिर्फ इसमें दो ही डोर्स आते हैं। काफ़ी बड़ी विंडो इसमें आती है, आप देख लो, काफ़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है। चलिए दो ट्रिम देख लेते हैं, वाइट और ग्रे में फिनिश किया है। सेम अपोल्स्ट्री भी आपको फैब्रिक में मिलती है, वाइट और ग्रे में, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे क्रोम में लीवर्स मिल जाते हैं, स्पीकर इसमें सिर्फ दो ही आते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये भी आपका यूटिलिटी स्पेस है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल भी प्लेस कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल प्लेस हो जाएगा एक डिसेंट साइज़ का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नीचे आपको यहाँ पे आईपैड आप अपना रख सकते हो या लैपटॉप रख सकते हो, यही सब स्टोरेज इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीकर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है। अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस सीट को यहाँ से टंबल कर सकते हैं हम, इसको आप देख लो, इसको हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं यहीं से। यहीं से हम एक बार पीछे एक्सेस कर लेते हैं। आपको पीछे भी आइसोफिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख रहे हो, और दो आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में दो सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, पीछे दोनों सीट्स में आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं स्टोर करने के लिए। चलिए इसको पीछे करते हैं, दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख लो, ये थोड़ा ज़्यादा रिक्लाइन है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है। यहाँ पे आप देख लो अंडर थाई सपोर्ट, मेरी हाइट 5'8" है, अंडर थाई सपोर्ट कम है। पीछे यूजली बच्चों के लिए है, आप वैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है इसमें, पीछे फिक्स्ड इसमें हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे कोई भी स्पेस नहीं है, ना ही पार्सल ट्रे। पीछे आपको दो ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं इधर और इधर, और फ्रंट में ग्रैब हैंडल मिल जाता है। आगे एक आपको लाइट मिल जाती है, जब आगे चलेंगे तो दिखाएंगे। मैनुअल इसमें IRVM आता है। पीछे से डैशबोर्ड का एक बार लुक देख लीजिए, ब्लैक और वाइट का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है, और बीच में आपको पूरी स्क्रीन गई है। 10.25 इंच की दो स्क्रीन आती हैं इसमें, एक इंफोटेनमेंट और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चलिए बाहर उतरते हैं। सीट को सही कर देते हैं, अब देख लो
एक बार यहाँ आगे आपको बैठ के दिखाता हूँ, लेग रूम की कोई भी दिक्कत नहीं है। बीच में आपको यहाँ पे कोई भी कंसोल नहीं मिलता, यहीं पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। दोनों पावर विंडो का बटन आपको यहाँ सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। बीच में आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पे भी फ्रंट में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है ग्रे में, और ये हार्ड प्लास्टिक ग्रे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे आपको दो एयर बैग्स मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड मिल जाता है और एक फ्रंट पैसेंजर साइड मिल जाता है। आप देख लो यहाँ पे एसी वेंट्स में क्रोम फिनिश दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ग्लास होल्डर आ जाता है, एक ग्लास होल्डर आप यहाँ पे भी देख सकते हो एसी के सामने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10.25 इंच का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, इधर भी 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। बीच में आप एसी वेंट्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़े वेंट्स हैं और क्रोम फिनिश दिया है इसके चारों तरफ। यहाँ पे आप एसी ऑपरेट कर सकते हो। लेदर रैप्ड आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस और प्ले का बटन मिल जाता है। एमजी की बैजिंग मिल जाती है सेंटर में, क्रोम फिनिश काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ही वाइट फिनिश में आप यहाँ पे शफल कर सकते हो। अभी स्क्रीन खोल के आपको दिखाऊंगा। ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया लैम्प मिल जाता है, काफ़ी अच्छी लाइट है। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। इधर का सनशेड में आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और ड्राइवर एंड पे भी आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। चलिए बैक प्रोफाइल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। पीछे से एक बार आप लुक देख लो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इधर आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी ग्लो करता है, ये भी टेल लाइट का हिस्सा है। यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, इस कॉर्नर से शुरू होती है ऑल द वे सेकेंड कॉर्नर तक जाती है। ये सेकेंड टॉप मॉडल है, प्ले है ये, और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता। टॉप में रिवर्स पार्किंग कैमरा एड ऑन हो जाता है और स्मार्ट की एड ऑन हो जाती है। पीछे की सीट्स आपकी 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं, आप देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा यूजबल हो जाती है स्पेस। आप देख लो कितनी ज़्यादा स्पेस हो गई। यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाता है, चार्जिंग केबल मिल जाता है, एडाप्टर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे का भी यहाँ पे अच्छे से फिनिश किया गया है ग्रे कलर में, काफ़ी नीट फिनिश है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, ऊपर कोई भी शार्पन एंटीना नहीं मिलता, फ्लैट है ऊपर से रूफ। यहाँ पे एमजी की बैजिंग मिल जाती है, कॉमेट की बैजिंग मिल जाती है, ईवी मिल जाता है, इंटरनेट इनसाइड मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है, दो पार्किंग सेंसर्स पीछे बम्पर पर दिए हुए हैं, दो रिफ्लेक्टर्स आपको लेफ्ट एंड राइट में दिए हुए हैं, बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है रेयर में आपको, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। सेम आपको कट मिलता है जो आपको फ्रंट में मिलता है, इस साइड की भी प्रोफाइल बिल्कुल सेम है। चलिए ड्राइवर एंड पे चलते हैं। यहाँ पे देख लो आप, सेम फिनिश है जैसे उधर का डोर था, इधर का डोर भी वैसे ही है। इधर से हम इसको आगे पुश कर सकते हैं, आप देख लो यहाँ से भी घुसने की जगह है। चलिए इसको सीधा कर देते हैं। अपने हिसाब से एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ पहले सीट को। आई थिंक ये मैक्सिमम इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी। डोर क्लोज कर लेते हैं, इग्निशन एक बार ऑन करते हैं इसका। इसकी की आपको दिखा देता हूँ, आप की देख लो। सबसे पहले दो स्मार्ट कीज मिल जाती हैं, और उस जो इसका टॉप वेरिएंट है प्लस, उसमें स्क्वायर शेप में की मिलती है, उसमें आप डिजिटली की शेयर भी कर सकते हो किसी और से। आप देख लीजिए फ्लिप की का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन मिल जाता है, काफ़ी हैवी है। इसमें सिल्वर और वाइट फिनिश दी गई है, साइड में क्रोम फिनिश दिया गया है, काफ़ी हैवी कीज़ हैं दोस्तों। इस तरफ आप की इंसर्ट करके इसको ऑन कर सकते हैं। देख रहे हो इसको बंद कर देते हैं। सिर्फ आप ब्रेक पेडल दबा के इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। 97
परसेंट दिखा रहा है, रेंज आपको 194 किलोमीटर दिखा रहा है। टोटल 100% चार्ज पे 230 कंपनी क्लेम कर रही है। 210 तक मुझे बताया गया है कि इसकी ड्राइव की गई है, उसके बाद भी 13% बैटरी रिमेनिंग थी, तो ऑलमोस्ट 220 प्लस ये चली जाएगी। ये वेलकम फीचर है इसमें। यहाँ पे आप ट्रिप देख सकते हैं, इको मोड पे इस समय लगी हुई है। मैं मोड एक बार चेंज करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक ये चलाते समय ही चेंज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हैवी पावर ट्रिप कितने किलोमीटर्स पे है, कौन से आप गियर पे चल रहे हो, ये सब शो कर रहा है यहाँ पे। एक बार इसका क्लोजअप देख लीजिए, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है यहाँ पे, बैटरी लो का इंडिकेशन आ रहा है। टोटल 120 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। इस तरफ देख लीजिए, फुल इंटरनेट इसमें मिलता है, आप कुछ भी प्रेस करिए, काफ़ी स्मूद है इसमें सब कुछ। प्लस माइनस, होम पे बटन, लॉक के लिए बटन, यहाँ पे आप इसके सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। रेडियो, ब्लूटूथ, सेटिंग्स, फोल्डर, मीडिया, व्हीकल सेटिंग, इनबॉक्स, आई कॉल एंड थीम्स भी इसमें आप चेंज कर सकते हो। होम पे वापस आ जाते हैं, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी इसमें मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डैशबोर्ड मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए एक बार गाड़ी की लाइट्स ऑन करता हूँ इसको। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख रहे हो यहाँ पे रेडी लिख के आ रहा है ऊपर। चलिए एक बार इसकी लाइट्स देख लेते हैं, बाहर उतर के हजार लाइट भी ऑन कर देते हैं, आपको आइडिया लगेगा। पीछे देख लो, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बैक से यहाँ पे पूरी रेड स्ट्रिप आ जाती है ब्लैक में, इंडिकेटर्स ग्लो कर रहे हैं। फ्रंट में एक बार लाइट देख लीजिए, इधर भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा लाइट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये LED DRLs हैं, इसके लैम्प्स आप देख लीजिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प बन जाते हैं, फुल LED सेटअप, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वॉर्गेम्स पे आप लाइट देख लो। चलिए बंद कर देते हैं। इसमें मैनुअल आपको IRBM मिल जाता है। यहाँ अंदर एंटर करते ही आपको लाइट्स को आप लेवल कर सकते हो, यहाँ से आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चाबी यहीं छोड़ देते हैं। आपको एक बार कॉमेट में चार्जिंग पॉइंट्स दिखा देता हूँ मैं। यहाँ फ्रंट में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दो USB पॉइंट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप हाफ KG का लोड डाल सकते हो इन दो हुक्स पे। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, आप देख सकते हैं। नीचे आपको दो पैडल्स मिलते हैं, क्योंकि ऐसे ऑटोमेटिक ड्राइव में आते हैं इसके सारे वेरिएंट्स। MG कॉमेट के अगर डायमेंशन की बात करूँ तो ओवरऑल लेंथ इसकी 2947 mm की है, और इसकी विड्थ है 1505 mm की, इसकी हाइट है 1640 mm की, इसका व्हील बेस है 2010 mm का, इसका टर्निंग रेडियस 4.2 मीटर का है, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है मेंशन नहीं है ब्रोशर में, मगर मुझे बताया गया है 160 mm का है। और मैक्सिमम पावर ये 42 PS की देता है, और मैक्सिमम टॉर्क ये 110 Nm का निकालता है। बैटरी कैपेसिटी मैं आपको बता चुका हूँ, 17.3। चार्जर कनेक्शन टाइप 2 है, और टोटल इसको 100% चार्ज होने में 3.3 किलोवाट चार्जर से 7 घंटे लगते हैं, और 80% चार्ज होने में 5 घंटे। सिंगल रेंज जो कंपनी क्लेम करती है 230 है, लेकिन 200 प्लस निकाल रही है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। MG कॉमेट में दो डुअल टोन कलर्स आते हैं, एप्पल ग्रीन के साथ स्टारी ब्लैक, और कैंडी वाइट के साथ स्टारी ब्लैक। सिंगल टोन में तीन कलर्स आते हैं, स्टारी ब्लैक, ऑरा सिल्वर और कैंडी वाइट। फ्रेंड्स, MG कॉमेट के तीन वेरिएंट्स आते हैं, पेस, प्ले और प्लश। पेस का एक्स शोरूम प्राइस है 7.98, ऑन रोड प्राइस लखनऊ में 8,68,802 रुपीज़ जाता है। प्ले का एक्स शोरूम प्राइस
9.28, उसका ऑन रोड प्राइस लखनऊ में 10,03,886 रुपीज़ जाता है, और प्लस का एक्स शोरूम प्राइस 9.98 है, और ऑन रोड प्राइस लखनऊ में 10,76,624 रुपीज़ जाता है। गाइज, आज की गाड़ी आपको MG कॉमेट कैसी लगी, ये कलर आपको कैसा लगा, इसका कॉम्पैक्ट साइज़ आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है मुझे उससे। और ये गाड़ी इसलिए भी प्रैक्टिकल है आपके सिटी रन के लिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छी कंपनी रेंज दे रही है, लोग अच्छी रेंज इसमें 200 प्लस निकाल रहे हैं। और अगर आप जब ऑफिस जाते हो तो आप अकेले ही जाते होगे, पूरी फैमिली नहीं साथ में ट्रैवल करती, तो अकेले पर्सन या दो पर्सन के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप डेफिनेटली इसको ज़रूर देख सकते हो। अगर मुझे ये भी बताइएगा आपका अगर 8 लाख रुपए से लेकर 10.5 लाख रुपए तक का बजट होता तो क्या आप इस गाड़ी को लेते या नहीं लेते। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसकी टॉप स्पीड 110 तक ये जाती है, लेकिन उससे आपकी ज़रूर डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और 20% तक जब इसकी बैटरी चली जाती है उसके बाद AC वर्क करना बंद कर देता है ताकि बैटरी को हम बचा सकें और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें, लेकिन फ़ैन वर्क करते रहेंगे। इन सब चीज़ों का ख्याल किया है कंपनी ने, सारे कनेक्टिविटी के फीचर्स दिए हैं, कहीं से भी कोई कमी कंपनी ने छोड़ी नहीं है इस गाड़ी में, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके 3 वेरियंट्स आते हैं, पेस, प्ले एंड प्लस, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। और प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करिए किसी भी गाड़ी के बारे में अगर आपको पूछना हो या जो मैंने शोकेस की हो उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।